अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्स स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा। नाज़रीन, हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करने के बाद अब कारोबारी मराकज़ के साथ साथ आवाम के लिए तफरी मकामात भी खोल दिए हैं। मैं मौजूद हूं इस वक्त रावलपिंडी के इलामा इकबाल पार्क के अंदर। यहाँ पर आए हुए लोगों से हम जानते हैं कि वो हुकूमत के इस इकदाम के बारे में क्या कहते हैं। सर, ये बड़ी अच्छी एक इनकी जो है काविश है, क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी है स्पेशली हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको देखा है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेंटली साइकोलॉजिकली, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जो है वो करता रहे ताकि वो ज़हनी तौर पे बैलेंस रहे और उसकी वर्क लाइफ भी बैलेंस रहे। इस पे तो हमारा बड़ी खुशी है, अल्लाह करे कि बकाया जो छुट्टी है अल्लाह ये भी ख़त्म करे, घर पर सारा ज़हनी बीमार हो गया इसकी वजह से। इस पर भी बड़ी खुशी है, समझो कि 3-4 महीने हुआ इधर घर में बैठा हुआ है, तो तंग बंदे सब हुआ, सब आवाम तंग है इसकी वजह से। चलो खुल गया तो हमारी बड़ी खुशी है हमारे लोगों के लिए। इसके बारे में यही कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, तफरी मकामात खोल लिए हुकूमत ने, पहले खोलने चाहिए थे लेकिन वायरस की वजह से नहीं खोल पाए। अभी भी वायरस तो है लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे जहाँ पे खोलने चाहिए हुकूमत को लेकिन वो भी बंद है। लेकिन फ़िलहाल ये भी अच्छा है कि कुछ तफरी मकामात खोल लिए, तो हमारे लिए जो है ना अच्छी बात है कि हम वहाँ पर जाके इंजॉय कर सके और जो छुट्टियाँ हैं हमारी जो हफ्ते और इतवार की वो जाके वहाँ पर गुजार सके। देखें जी, ये एक अच्छा जेस्चर है, तो ये काफ़ी महीनों से ये चीज़ मिसिंग थी, फैमिलीज अपने घरों में मुकीद थी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मर्द तो चले कैसे भी बाहर निकल लेते हैं, लेकिन औरतों के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है कि औरतों के लिए थोड़ी सी आज़ादी हुई है उनको भी अपनी फैमिलीज़ के साथ पार्क की तरफ रुख करने का। अभी यहाँ पे थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं, जस्ट लाइक झूले नहीं अभी खुले, ठीक है, और SOP को फॉलो करते हुए मास्क और सैनिटाइजर्स को यूज़ करते हुए अलाउ कर रहे हैं ये पर्सन को। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर है, तो दुआ गूँ कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी इस वबा से एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको अल्लाह पाक हमसे दूर फरमाए और हमें अपनी हिफाजत में रखे। ये बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा इकदाम है इनका। लोग जो है, आपको पता है कि जो बिज़नेस वगैरह बंद हुए हुए थे, ऑफिस वगैरह जो है वो क्लोज थे और लोग घरों में रह रह कर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे थे, तो ये कि तफरी मकामात जो है वो खुलने से एक डिस्टेंस के साथ आप मतलब एक वॉक भी करें और हेल्दी एक्सरसाइज हेल्दी जो है वो एक्टिविटीज़ ये होती है, तो इससे जो है आप मतलब एक बेहतर मतलब एक अपनी वो हेल्थ के लिहाज से जो है वो बेहतर कि जो लोग जो है तरह उनकी फ्रस्ट्रेशन कम हो और हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है उसमें इजाफा हो। और साथ स्पोर्ट्स क्लब में कहता हूँ वो भी अगर डिस्टेंस के साथ वो ओपन कर दिए जाएँ और ये एक और हेल्दी एक्टिविटी जो है वो मतलब कि इंक्लूड हो जाए तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा बेहतर है। कुछ दिन पहले तक तो ये जितने भी तफरी मकामात थे लाइक जैसे ये पार्क है जहाँ पे हम खड़े हैं, इनको खोला गया था जस्ट वॉक के लिए, बट अब जैसे ही थोड़ा सा अरसा गुजरा तो उसमें चेंजिंग आ गई और वो फैमिलीज़ वगैरह और यानी कि बिल्कुल जैसे मामूल था अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह मामूल पे आ चुके हैं। सो जो ये एक कदम उठाया गवर्नमेंट ने कि आहिस्ता आहिस्ता जो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है और काफ़ी चीज़ें ओपन की जा रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी शहर हैं लाइक शहर जितने भी हैं वहाँ पर आपने देखा है कि घर जो हैं वो एक इस तरह से बनाए गए हैं कि वहाँ पर जो है एक वो आबो हवा उस तरह की नहीं है कि आप उसमें इंजॉय कर सके। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर बाकी जगह शहरों में भी खोले, और ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लोग आ रहे हैं घूम रहे हैं फिर टुर के, तो सब लोगों को खुशी हो रही है, तो चाहिए कि बाकी भी खुले। बहुत अच्छी बात है, ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है। जो घरों में लोग बैठे हुए थे, आवाम जो है ना महसूर हुई हुई थी घरों में 3-4 माह के अंदर जो है ना, दूसरा वो जो है माशी तंगी तो है, अभी भी है, परेशानी तो है, लेकिन उसके बाद जो अगर ये जो चीज़ें खोली हैं ना, चलो उन्होंने SOPs जो है ना वो बना दिए हैं, मतलब अच्छा किया है, चलो समाजी फासला रखें, लेकिन उसके बाद आप एक्टिविटी तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फैमिली के साथ बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, कोई और बच्चों के देखें ना, बच्चे छुट्टियाँ हैं, वैसे भी छुट्टियाँ हैं जो है ना, बच्चे घरों में जो है ना वो बड़े परेशान थे, तो वैसे भी गर्मी है तो वो बड़े टेंशन में थे, अभी जो है ना अगर पार्क खुल गए हैं ये बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा इकदाम है जिससे बच्चे जो है ना वो बहुत खुश हैं। कल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पार्क खुले हैं बहुत अच्छा लग रहा है, इतने हमारे पसंद के झूले हैं, हर चीज़ है इधर, हम इतना इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, इतने दिनों के बाद पार्क खुले हैं और मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी दोबारा जारी हो गई है, इस वजह से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दोबारा पार्क्स खुले हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं बस, और स्कूल्स खुले हैं तो बहुत मज़ा आएगा,
अभी पार्क खुले हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम जी। अभी तो बंद है लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं हम स्कूल्स को जी। हमने झूले लिए, एक्सरसाइज की है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। घरों के लोग किराए पे रह रहे हैं ठीक है, एक बंदे के पास जिसके 5-6 बच्चे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं ठीक है, तो एक कमरे में हम बंद वहाँ क्या करेंगे। तो अगर कुछ टाइम हमें मिल जाए अगर बाहर तो हमें वो मुश्किल नहीं है। तो कोरोना वायरस का जो उन्होंने वो सिस्टम किया हुआ रोका हुआ है, जिसकी वजह से जो उन्होंने SOPs रखी हैं उसके ऊपर हम भी अमल करेंगे और बाकी भी अमल करें, लेकिन इनको खोलना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं खोलना चाहिए, बंद करके बिठा दें। खुद बेशक जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जो चले जाएँ, उनको कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए हेलीकॉप्टर तैयार हैं, जहाँ से जहाँ उन्होंने सैर करनी है उनके लिए सब कुछ सहूलियात मैसर हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए कोई नहीं सहूलियत। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोरोना वायरस है तो ये बंद कर देना चाहिए, लॉकडाउन कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोरोना खत्म हो गया फिर सब कुछ खोल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फेक न्यूज़ भी आती है, कभी कहते हैं कोरोना है, कभी कहते हैं बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैं कहती हूँ अगर कोरोना है तो फिर सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ कोई डिस्टेंस पर कुछ कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं होता। यहाँ से जब अंदर होंगे पार्क के अंदर सब वैसे ही क्लोज हो जाएंगे, बाहर तो मतलब अगर पुलिस वाले हैं कोई भी है उनके सामने डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन अंदर जाएंगे तो दोबारा क्लोज हो जाएंगे जी। बहुत अच्छा है, वैसे भी घर रह रहे तंग पड़ गए थे, तो अच्छी बात है उन्होंने खोल दिया, सब कुछ ओपन किया है। फ़ायदा ये है कि अच्छा इंजॉय करते हैं अंदर, मतलब फन करते हैं, अच्छा लगता है जी। बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ जी। बंद है और कह रहे हैं कि पेपर लेने हैं तो ना लें तो बेहतर है जी। नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी, अवाम की ज़िंदगियों में खुशी की एक लहर सी दौड़ी है और उनकी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक वापस आने लगी है। तहम हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के इकदाम दीगर शहरों में भी करे, ताकि वहाँ के रहायशियों को भी इस तरह इसका फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।